मंच पर उपस्थित मेरे साथी सांसद श्रीमान प्रताप राव पाटिल जी, जिनके नेतृत्व में ये बल देश की आंतरिक सुरक्षा संभालने के लिए सदैव तैयार रहता है, ऐसे डीजी सीआरपीएफ श्री कुलदीप सिंह जी, एडिशनल डीजी सीआरपीएफ श्री जुल्फिकार हसन जी, श्रीमती रश्मि शुक्ला जी और उपस्थित सभी जवान भाइयों और बहनों, मेरे लिए बहुत हर्ष का विषय है कि आज हमने एक लक्ष्य तय किया था कि हमारे सभी बल इकट्ठा होकर सारे के सारे सीएपीएफ मिलकर 1 करोड़ से ज्यादा वृक्ष लगाएंगे और उसको अपने सर से ऊपर तक ले जाने की वैज्ञानिक व्यवस्था भी करेंगे। आज मेरे लिए बहुत हर्ष का विषय है कि मेरे ही हाथों से पीपल का एक वृक्ष यहां पर लगाया गया है और हमारा 1 करोड़ का लक्ष्य हम पूर्ण कर रहे हैं। 1 करोड़ वृक्ष देश भर में लगभग 170 से ज्यादा जिलों में हमारे सीएपीएफ ने लगाने का काम किया है और ये और महत्वपूर्ण है कि आज हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है, उसी दिन हम ये लक्ष्य को पूरा करेंगे और ये वृक्ष ऐसी जगह पे लगाया जा रहा है, ये मराठवाड़ा का हिस्सा है नांदेड़, जहां गुरु गोविंद सिंह जी की स्मृति में आज भी हजूर साहब बना हुआ है और आज जो हिस्से में हम खड़े हैं उसको आजादी का दिन भी आज का ही है, 17 सितंबर का है। आज ही के दिन हैदराबाद के निजाम के जुल्मी शासन से ये पूरा क्षेत्र, यहां से लेकर बीदर होकर तेलंगाना का पूरा क्षेत्र आजाद हुआ था। हमारे पहले गृहमंत्री लोह पुरुष भारत रत्न सरदार पटेल ने बड़ी दृढ़ता के साथ, वीरता के साथ और रणनीतिक कुशलता के साथ इनकी नापाक इरादों को नाकामयाब करते हुए ये पूरे हिस्से को भारत, अखंड भारत का हिस्सा बनाने में आज ही के दिन वो प्रख्यात पोलो ऑपरेशन पुलिस एक्शन इसके जरिए सफलता प्राप्त करी थी। तो आज हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है, यहां के रहने वालों के लिए और महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि हम तो 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गए थे मगर एक क्षेत्र इसके 13 महीने के बाद आजाद हुआ। एक मानों में एक क्षेत्र का आजादी का दिन आज ही है। तो मैं सभी मराठवाड़ा के, बीदर क्षेत्र के और तेलंगाना के लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आज इस अवसर पर इस क्षेत्र की आजादी के लिए स्वामी रामानंद तीर्थ, गोविंद भाई श्रॉफ, दिगंबर राव बिंदु, देवू सिंह चौहान, ऐसे कई दिग्गजों ने अपने जान नौछावर की और एक लड़ाई लड़ी। एक तरफ निजाम की क्रूर फौजें थी, रजाकार थे, इस सब के सामने लड़ाई लड़कर आज ये हिस्सा भारत के साथ जुड़ा हुआ है। इसके लिए वो सभी हुतात्माओं का बलिदान, सर्वोच्च बलिदान देश कभी नहीं भुला सकता। मैं आज उनको भी बड़े मन से हमारे देश की सभी सीएपीएफ के जवान की ओर से बहुत बहुत मनपूर्वक श्रद्धांजलि देता हूं कि आपके त्याग और बलिदान के कारण ही ये हिस्सा देश के साथ जुड़ा है। मित्रों, आज मोदी जी का जन्मदिन है और आज ही हमने 1 करोड़ का वृक्ष, 1 करोड़वा वृक्ष यहां पर बोया है। मोदी जी आजादी के बाद देश में ऐसे पहले मुख्यमंत्री थे और दुनिया में भी उस वक्त बहुत कम लोगों ने क्लाइमेट चेंज की ओर ध्यान दिया होगा। जलवायु परिवर्तन पर
ध्यान देने की बहुत कम लोगों को थी। रोड बनाते थे, बिल्डिंग बनाते थे, पीने के पानी की व्यवस्थाएं करते थे, शिक्षा के लिए संरचनाएं भी होती थी, विकास सभी क्षेत्रों में होते थे। मगर मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने सर्वप्रथम क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट को सरकार के अंदर प्रस्तापित करने का काम किया और ये पूरे भारत में सबसे पहला कदम था कि जलवायु परिवर्तन पर शासन चिंता करे और जलवायु परिवर्तन को बचाने के लिए, संभालने के लिए एक संस्थागत व्यवस्था, इंस्टीट्यूशनलाइज मैनेजमेंट शासन की ओर से कैसे हो सकता है, इसकी शुरुआत मोदी जी ने करी थी। आज उन्हीं के जन्मदिन के दिन हम 1 करोड़वां वृक्ष यहां पर लगा रहे हैं और मुझे भरोसा है कि सीआरपीएफ के जवान ये जो वृक्ष इस बार सीआरपीएफ ने लगाए हैं उसकी एडवांस में नर्सरी भी बनाई गई है, मृत्यु दर को ध्यान में रखकर वृक्षों के, और उसको फिर से लगाने की व्यवस्था भी की है, जवानों के साथ वृक्षों को जोड़ने का वैज्ञानिक व्यवस्था भी किया गया है। तो ये सारे पौधे बहुत जल्द ही पृथ्वी के पर्यावरण की सेवा में लगेंगे, इसका मुझे विश्वास है। मित्रों, अंधाधुंध विकास इसके कारण दुनिया के पर्यावरण को बहुत सारा नुकसान हुआ है। ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज ऐसे दो खतरे बने हैं जिसको किसी के, कोई भी देश के लिए दुश्मन की जरूरत ही नहीं। अभी अभी हम देख रहे हैं अतिवृष्टि, अकाल, भूस्खलन, ढेर सारे मामले ये जो अब दिखाई देने पड़े हैं, इसका मूल कारण क्लाइमेट चेंज है, जलवायु परिवर्तन है। पृथ्वी का तापमान बढ़ता ही जा रहा है, इसका मूल कारण है कि अंधाधुंध विकास और कार्बन उत्सर्जन के कारण ओजोन का जो स्तर है पृथ्वी और सूर्य के बीच में, वो स्तर धीरे 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 पतला हो जाता है। ओजोन का स्तर ही सूर्य की प्रचंड गर्मी से पृथ्वी को जीने लायक बताए, मगर ये जो कार्बन उत्सर्जन का प्रमाण, उसका प्रतिशत हमने बढ़ा लिया, वो कार्बन ऊपर जाते 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 ओजोन के साथ मिलता है और ओजोन के स्तर को क्षीण करता है, पतला करता है, कहीं छेद भी कर देता है। अगर ये प्रक्रिया को हमने नहीं रोकी तो एक दिन ऐसा आएगा कि पृथ्वी पर तापमान इतना बढ़ जाएगा कि मानव जीवन को बहुत परिश्रम पड़ेगा अपने आप को टिकाने के लिए। जैसा डीजीसीआरपीएफ ने कहा, प्रकृति का संतुलन जब भी बिगड़ता है तब विकृतियां आनी शुरू होती हैं, और वो विकृतियों को बचाने का एकमात्र रास्ता है प्रकृति के संतुलन को बनाए। प्रकृति का, कुदरती संपत्तियों का दोहन करना चाहिए, शोषण नहीं करना चाहिए। विकास की गति के साथ साथ ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन, ये दोनों की चिंता को व्यवस्था के अंदर ही इनबिल्ट करना पड़ेगा, और उसका एकमात्र रास्ता, सरल रास्ता, प्राथमिक दृष्टि से दिखाई पड़ने वाला रास्ता है कार्बन के उत्सर्जन को कम करना, और जो उत्सर्जित हुआ कार्बन है उसकी व्यवस्थापन करना। व्यवस्थापन कैसे करेंगे? एक ही रास्ता है कि वृक्षों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी, तभी जाकर ऑक्सीजन मिलती रहेगी और ओजोन के पर तक ये कार्बन नहीं पहुंचेगा। और इसीलिए 2 साल से हमने कार्यक्रम लिए हैं, गत साल भी हमने बहुत बड़ा वृक्षारोपण अभियान लिया था, लगभग 1,30,00,000 वृक्षों को लगाने का कार्यक्रम लिया था और 1,47,00,000 वृक्ष सीएपीएफ के जवानों ने लगाए थे, और आज 1 करोड़ वृक्ष लगाने का काम समाप्त हो चुका है। और मैं देश भर में फैले हुए सीआरपीएफ और सीएपीएफ के सभी जवानों को मैं कहना चाहता हूं कि आप अपने आप को एक वृक्ष के साथ जोड़िए। मैं मेरा अनुभव बताता हूं, अगर एक बार अपने आप को एक वृक्ष के साथ जोड़ लोगे तो लगाव हो जाएगा, और वो लगाव आपको आत्मसंतुष्टि के लिए बहुत काम आएगा, आपका तनाव भी कम करेगा और आपको एक रचनात्मक दृष्टिकोण जीवन जीने के लिए भी देगा, क्योंकि सृजन ही परमात्मा की सबसे बड़ी कृपा है,
सबसे बड़ी कला है। अगर एक वृक्ष को बड़ा होते हुए हम देखते हैं और उसको हर रोज पानी पिलाने की व्यवस्था हमने करी है, ट्री गार्ड लगाने की व्यवस्था हमने की है, इसके प्रूनिंग की व्यवस्था करके उसको मजबूत बनाने की व्यवस्था हमने की है, तो जब वे बहुत बड़ा वृक्ष हो जाता है, छाया देने लगता है, हवाओं को शुद्ध करने लगता है, तब मन को जो संतोष मिलता है इसका कोई माप नहीं है, कोई नाप नहीं है। इसलिए मैं सभी जवानों को कहता हूं कि वृक्ष के साथ अपने आप को जोड़िए। लगाना तो सरकार का कार्यक्रम है, उसको जिंदा रखना, उसको बड़ा करना, एक पौधे को वृक्ष में परिवर्तित करना, वो सरकार का कार्यक्रम हो नहीं सकता, सीआरपीएफ के जवान का कार्यक्रम होना चाहिए, तभी जाकर हमारा जो लक्ष्य है वो लक्ष्य पूरा हो सकता है। धार्मिक दृष्टि से कई सारे पुराणों के अंदर, चाहे वराह पुराण हो, चाहे उपनिषद हो, चाहे वेद हो, उसने वृक्ष के महत्व को समझाया है। कई जगह पे लिखा गया है कि कई सारे कुएं बनाइए, कई तालाब बनाइए, इस सबसे ज्यादा फायदा एक पुत्र देता है, परंतु 10 पुत्रों से ज्यादा आपको संतोष और फायदा एक वृक्ष देता है, ये हमारे पुराणों की कही हुई है। अभी पीपल का पौधा मेरे हाथों से यहां लगवाया गया। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि वृक्षों में मैं पीपल हूं, वो इसलिए कहा कि सारे वृक्षों में श्रेष्ठ वृक्ष पीपल ही है, जो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन वापस देता है और कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करता है। कार्बन डाइऑक्साइड को कम करना, कार्बन मोनोऑक्साइड को कम करना और ऑक्सीजन को पृथ्वी को वापस देना, ये सबसे बड़ा अगर कोई काम करता है तो पीपल का वृक्ष करता है। वृक्ष में पीपल, नीम, इमली, वटवृक्ष, ये सारे ऐसे वृक्ष है जिनका आयुष्य भी लंबा है और ऑक्सीजन देने की भी क्षमता बहुत बड़ी है। और मैं जब ये कार्यक्रम शुरू करवाया तब बहुत आग्रह से मैंने किया था कि जिसका आयुष्य बहुत लंबा है ऐसे वृक्षों को ही लगाया जाए, उनको बड़ा करने में तो दिक्कत आ सकती है परंतु बाद में उसका फायदा पृथ्वी को, देश को बहुत बड़ा हो सकता है। और मुझे आनंद है कि इसको ढंग से मेरे सुझाव को स्वीकार भी किया गया है और लगाए गए वृक्षों में से 60% से ज्यादा वृक्ष ऐसे हैं जिनका आयुष्य 100 साल से बड़ा है। मित्रों, आज मैं सीआरपीएफ के ट्रेनिंग सेंटर के अंदर हूं, यहां आपको नागरिक से रक्षक बनाने का काम होता है, यहां आपको आम जन से देशभक्त सशस्त्र सेनानी बनाने का काम यहां होता है। और यहीं से आप एक शिस्त के अंदर, एक डिसिप्लिन के अंदर अपने जीवन को एक नए प्रकार के खाके के अंदर ढालने की शुरुआत करते हैं। आज मैं यहां आया हूं तब मैं इतना निश्चित कहना चाहता हूं कि सीआरपीएफ के 2000 से ज्यादा जवानों ने जो बलिदान दिया है, इसी के कारण आज हमारा देश सुरक्षित है और इसकी आंतरिक सुरक्षा सब है। जब बहुत सारी व्यवस्थाएं नहीं थी तब 1959 हो, भारत चीन सीमा पर सटा हुआ हॉट स्प्रिंग का हो या सरदार चौकी हो भूज के अंदर, हर जगह पे सबसे पहला दुश्मन को चैलेंज करने का काम किया तो सीआरपीएफ ने काम किया। और जब देश आगे बढ़ता गया, हमारी आजादी के बाद हमारी यात्रा आगे बढ़ती गई, परिवर्तन भी आता, सीआरपीएफ के काम में शुरू से आज तक देखो तो आमूलचूर परिवर्तन आया है। मगर मैं जब एनालिसिस करता हूं तो हमेशा पाता हूं कि हर परिवर्तन को सीआरपीएफ ने बहुत सहज तरीके से आत्मसात कर अपने आप को नए खाके में डाला है। पहले देश की सीमाओं की सुरक्षा आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी थी, फिर आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी आई, फिर दंगे रोकने की जिम्मेदारी आई, फिर वामपंथी उग्रवादियों के सामने लड़ने की जिम्मेदारी आई, चाहे नॉर्थ ईस्ट के थिएटर में काम करने की जिम्मेदारी आई, कश्मीर में काम करने की जिम्मेदारी आई, सीआरपीएफ के जवानों ने हर रिक्वायरमेंट के खाके में अपने आप को ढालकर हर रिक्वायरमेंट, हर अपेक्षा,
जो आपसे रखी गई उसको बखूबी निभाने का काम किया है और हर मोर्चे पर सीआरपीएफ की यश पताका को आपने गौरव के साथ आसमान तक ऊंचा लगाने का काम किया है। और जो सीआरपीएफ के इतिहास को ध्यान से जाने नहीं है, पहचाने नहीं है, इनको मेरा ये वाक्य थोड़ा अतिशयोक्ति लग सकता है, परंतु मैं सभी लोगों के सामने वाक्य इसलिए जरूर बोलना चाहता हूं कि मैं इसको वास्तविकता मानता हूं कि सीआरपीएफ के बगैर देश की आंतरिक सुरक्षा की कल्पना हो ही नहीं सकती है, बच ही नहीं। और यहां पर लगभग 800 जवानों के ट्रेनिंग की व्यवस्था है और यहीं पर सीआरपीएफ के जवान ट्रेन होकर देश की सेवा में लगते हैं। मित्रों, मैं आज आप लोगों के बीच में बड़ी लंबी बात करने नहीं आया हूं, परंतु इतना जरूर कहता हूं, मुझे और पूरे देश को आप लोगों के त्याग, बलिदान और समर्पण पर गर्व है और आप जो देश की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने में आपका योगदान दे रहे हो, देश में जो विकास हो रहा है, देश $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, वो आपके समर्पण और आपके बलिदान के अलावे संभव नहीं है। इसलिए आप लोगों के त्याग, तपस्या और बलिदान को साधुवाद देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं, मगर फिर से आग्रह करता हूं कि सीआरपीएफ का हर जवान अपने आप को एक वृक्ष के साथ जोड़े और प्रकृति की सेवा करने का काम, देश की सुरक्षा के काम के जितने ही बखूबी आप लोग निभाए, ऐसी शुभकामनाएं देकर आप सभी को नमस्कार करकर मेरी बात को समाप्त करता हूं। वंदे मातरम।